वेलकम टू सिविल ज्ञान सीरीज चैनल। दोस्तों हमने कल जो है कुछ क्वेश्चन देखा जीके का, और आज भी जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और जो लोग जो जीपीएससी एई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए मिनिमम जो है कॉस्ट पर जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर, पैसा के चक्कर में ना पड़े। बिकॉज 4500 रुपये जो है आपका जब पहला इनकम मिलेगा वो आपको 4500 इसका 10 गुना से ज़्यादा मिलेगा। सो पैसा के लिए आप ना सोचें और इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर लें। सो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है कि भारत का प्रथम जो है तेल शोधक जो है कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया। वेयर वाज जो है इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, वो है डिगबोई। अब डिगबोई कहाँ है? वो है आसाम में। ठीक है, अब ये जो तेल शोधक कारखाना क्या है? ठीक है, कच्चा तेल जब निकलता है तो उसमें पेट्रोलियम होता है, किरोसिन होता है, उसमें आपको जो है ये हम लगाते हैं मुंह पर जो ये क्रीम वो भी जो है इससे निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि उसको जो पहले शोधन किया जाता है, तो वो कहाँ है? डिगबोई में। अब देखेंगे जहाँ पर तेल है वहाँ पर ही जो है आपको नहीं है, जैसे तेल जो है आपको आसाम में मिलता है वहाँ पर भी जो है तेल रिफाइनरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पर है वहीं पर है। जैसे मैं आपको तेल रिफाइनरी जो है बिहार के बरौनी में, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है कि बिहार में जो आपको तेल है कच्चा तेल आपको मिलता है। देखिए चार क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको जो है तेल मिलता है, कच्चा तेल जो है आपको मिलता है, वो कौन सा? एक तो आसाम हमने बताया, आसाम में हो गया, ये आसाम नहीं, आसाम हो गया। इसके बाद गुजरात, एंड दूसरा जो है आपका मुंबई जो हाई जिसे बोलते हैं, जो समुद्र तट में जो है एक है। इसके बाद जो है आपका मुंबई हाई हो गया। इसके बाद जो है ये जो गोदावरी और कृष्णा नदी, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी के जो मुहाना है, कृष्णा नदी का जो मुहाना है मतलब जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं पर जो है, ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर जो है ये जो है तेल मिलता है कच्चा तेल। तो हमारे जगह पर चार क्षेत्र है, एक तो हो गया कृष्णा गोदावरी, दूसरा हो गया आपका आसाम, तीसरा हो गया आपका जो है गुजरात, और चौथा हो गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मुंबई हाईवे, मुंबई हाई बोलते हैं उसको लग रहा है। इसके बाद जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष जो है युद्ध में हराया। इन विच ईयर डिड जो है मोहम्मद गौरी डिफीट जो है पृथ्वीराज चौहान। देखिए यहाँ पर जो दिया 1192 दिया हुआ है, मतलब 1192 में जो है उसने हराया। देखिए पहला ये जो है तराइन का दूसरा युद्ध है, तराइन का जो है ये दूसरा युद्ध है, दिस इज अ सेकेंड जो है वार। लेकिन फर्स्ट वार में क्या हुआ कि जो ये मोहम्मद गौरी सोचता था कि पृथ्वीराज चौहान को हम हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो उस समय शक्तिशाली था और पंजाब के एरिया पर जो इसका अधिग्रहण था, ये जो वहाँ पर जो अपना शासन करता था, और मोहम्मद गौरी को जो है बुरी तरह से हराया। मोहम्मद गौरी जो है मरने से बचा, इसी तरह से भाग कर जो है उसने जान बचाई। सेकेंड युद्ध में क्या हुआ कि एक भारतीय जो थे जय सिंह, जो वाराणसी में उस समय राजा थे, एक इंटरेस्टिंग कहानी सो इस आई जो है विल एक्सप्लेन जो है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है जय सिंह था वाराणसी का, क्या था, एक जय सिंह था, उसकी पुत्री को जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है किया उसको उठा कर ले गया। तो क्या किया जय सिंह ने, इसका साथ दिया मोहम्मद गौरी का, और उसने सोचा कि इसको प्रतिशोध लिया जाएगा। सो यहाँ पर क्या हुआ कि सेकेंड युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गया, वही जो है आपको 1192 दिया हुआ है। पहला युद्ध में क्या हुआ था, हमने पहले बोला कि पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गया मोहम्मद गौरी को हरा कर, लेकिन जब एक भारतीय ने साथ दिया तो 1192 में तराइन के दूसरा युद्ध में क्या हुआ कि ये जो पृथ्वीराज चौहान जो हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। सो ये था आपका कहानी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा था। हु इज़ द फर्स्ट जो है कंट्री इन द वर्ल्ड टू होस्ट जो है नेशनल फ्लैग, वो था डेनमार्क। और डेनमार्क कहाँ है? देखिए अब जब भी पढ़ते हैं जीके क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, आप सोचेंगे कि लूसेंट पढ़ लेंगे तो एक बार में याद तो नहीं होता है। इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। मैप से क्या होता है, माइंड मैप बनता है, और माइंड मैप से क्या होता है आपको बहुत लंबे समय तक जो है वो क्वेश्चन याद रहेगा। जैसे मैं अभी डेनमार्क कहाँ है, डेनमार्क कहाँ है आपका यूरोप में है, और यूरोप में जो है आप देखेंगे तो यहाँ इधर जब उसके सबसे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इधर से फ्रांस से स्टार्ट होता है, फ्रांस उधर कुछ होगा, और ये भी पोलैंड हो सकता है, पोलैंड होगा इधर फ्रांस, इसके ऊपर जो है जर्मनी है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर डेनमार्क है। तो इसका मतलब जर्मनी इधर ऊपर जाएंगे तो हमको डेनमार्क मिलेगा। अब डेनमार्क की राजधानी क्या है, वो है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, और इसका जो है आपका करेंसी क्या है, तो डेनिस क्रोन जो है इसका क्या है, इसका करेंसी है। तो ये आप तीन चीज़ याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स जो है लार्जेस्ट एयरपोर्ट लोकेटेड। ठीक है, तो वो जो है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग यहाँ पर तो लिखा नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं बीजिंग जो है डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है। ठीक है, और एयरपोर्ट आप जानते हैं कि बीजिंग कहाँ है, बीजिंग जो है चीन में है। सो यहाँ पर अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत को देखते हैं, तो यहाँ पर यह देखिएगा बीजिंग जो है
डैक्सिंग जो है, बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट जो चाइना में है, वही जो है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये तो वर्ल्ड का हो गया। हम आते हैं भारत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भारत में जो कि न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में एक है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी लिख सकते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं, और इंटरनेशनल, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट जो है वो भारत का जो है सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोलार की खान जो है किस राज्य में स्थित है, इन विच जो है स्टेट इज द कोलार माइन लोकेटेड, वो है कर्नाटका। अब देखिए क्या है कि अभी तो ये एक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ द 2001 जो है बहुत सारे जो श्रमिक थे, जो लेबर थे, इस खान की गहराई इतनी अधिक हो चुकी है कि इतना टेम्परेचर है, जैसे मैं अभी हम लोग कितना महसूस करते हैं, 45 डिग्री 46 डिग्री जो है अभी गर्मी के जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉट होता है तो 46 डिग्री तक जाता है, लेकिन 46 अब जाएंगे वो जो ये जो खान हो चुका है इतना गहराई में हो चुका है कि वहाँ पर 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अब यहाँ पर 60 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर श्रमिकों की जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है मौत हो रही थी रोज के रोज, इसलिए सरकार ने क्या किया 2001 में इसको बंद कर दिया। सो ये यहाँ पर क्या है, ये इनएक्टिव है। लेकिन हम कहेंगे एक्टिव की बात करेंगे तो अभी तो कुलार के बाद हट्टी आता है जो कर्नाटक में ही है, और यही जो है अभी हट्टी जो है एक्टिव है, और ये जो है अभी ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है। सो कुलार का जो खान है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना इसमें मिलता है कुलार के खान में, वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और याद रख सकते हैं आपको, पन्ना का खान है, पन्ना जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और वो कहाँ मिलता है पन्ना का खान आपको, ये पन्ना जो है वो आपको एमपी में मिलता है। आपको ये भी मैप याद रखना चाहिए, देखिए मैप जो होता है बीच में, ये जो है एमपी जो है बीच में है, कर्नाटक जाएंगे तो आपको साउथ में पड़ेगा, इधर जो है कोस्टल एरिया है कर्नाटक, उधर है जो आपका हट्टी का खान और जो है कोलर का, क्या लिखा हुआ है पर, कुलार का खान। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है, हु इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, वो है चीन, ठीक है। अब देखिए चीन क्या हुआ था, अभी चीन जो है, अभी एक चीज़ और बताते हैं आपको, वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत जो है हम लोग शुरू बार, मतलब जो है आपको कमोडिटी जो है एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज मतलब वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु को देते थे, पहले क्या था सिस्टम कि वस्तु देता था कोई तो वस्तु लेता था। मान लीजिए कि हमारे पास कपड़ा है और किसी के पास चावल है, तो चावल और कपड़ा को एक्सचेंज किया जाता था। अब जिसको जो जरूरत है उसमें जो है मैचिंग कराया जाता था, लोग खोजते थे कि हमको जूता चाहिए तो उसको जो है कपड़ा चाहिए, तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो वो होता था। पहले वस्तु विनिमय के माध्यम से जो है हम लोग क्या करते थे कि ये अर्थव्यवस्था चलता था। इसके बाद जो है धातु आया, इसके बाद क्या आया आपका धातु आया, मतलब मेटल के माध्यम से करने लगे, कि सोना तो कीमती है वो हर जगह तो मिलता नहीं है, इसका बहुत ही जो है कम जो है इसका मात्रा उपलब्ध है, सो यहाँ पर धातु से होने लगा। सोना से भी होता था आपका, तांबा से भी होता था, कांसा से होता था, लेकिन आगे चलकर जो है कागज़ हुआ, और कागज़ कौन लाया, वो चीन लाया, और चीन जो है सबसे पहला मुद्रा लाया था, मुद्रा प्रणाली जो है, मुद्रा जो सिस्टम जो होता है, प्रिंटिंग जो होता है प्रिंटिंग, वो जो है सबसे पहले चीन ने ही लाया था, बहुत साल तक जो छिपा कर रखा था, लेकिन जो है आगे चलकर पता चला तो चीन ने सबसे पहला, चीन जो है सबसे पहला लाया था, और कागजी मुद्रा जो है वही चीन का है। आगे बढ़ते हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है, हु इज़ द फर्स्ट कंट्री टू जो स्टार्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, वो है आपका इंग्लैंड। अब हम देखते हैं भारत के परिपेक्ष में, अभी भारत में तो आप मुंबई में देख सकते हैं वो जो है मेट्रो ट्रेन है, लेकिन प्रथम बार जो है ये जो है भारत में कब स्थापित हुआ, देखिए प्रथम बार जो है स्टार्ट हुआ ये जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी लिख देते हैं, गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड डलहौजी, वो था आपका 1950 लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में जो है आपको रेल को स्टार्ट किया था, मुंबई जो है उसके मुंबई से लेकर जो है थाड़े तक जो था, ठीक है, मुंबई से थाड़े, थाड़े एक स्थान में, मुंबई में ये स्थान है, ये थाड़े थाड़े या ये जो है मुंबई में ये स्थान होगा, तो मुंबई से जो है लेकर जो है थाड़े के बीच में जो है ये ट्रेन चला था 1853 में लॉर्ड डलहौजी काल में प्रथम बार भारत में, और इसे भूमिगत जो है मेट्रो रेल जो है प्रथम बार कौन आया था, वो था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषुवत रेखा पर एक दिन में जो है दिन की जो अवधि होती है कितने घंटे की होती है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वन डे ऑन द इक्वेटर, वो होता है 12 आवर। अब देखिए ये हमारा जो है ग्लोब है, और ग्लोब क्या है कि ये जो है झुका हुआ है, हमारा पृथ्वी कितना है झुका हुआ है, कितना पर 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर जो है पृथ्वी झुका हुआ है। सो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो सालों भर जो है इस पर सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट रूप से जो है पड़ती रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारा स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की जो ये कीड़े हैं वो साल भर जो है ये यहाँ पर ये घूम कर भी आएगा इस तरफ से घूम कर, तब पर भी जो है यहाँ पर जो है ये चारों मतलब ये सब जगह पर समान रूप से 12 घंटा दिन 12 घंटा रात जो है हमेशा विषुवत रेखा पर होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सालों भर जो है चमकती रहती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर 12 घंटा होता है।
वहीं हम भारत की बात करते हैं तो हमारा गर्मी का दिन कब स्टार्ट होता है, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। हमारा 21 जून कहते हैं ना, 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, तो वही 21 जून सबसे लंबा दिन होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है 21 जून को हमारा कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें चमकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड वेन इंडिया अटेंड जो है इंडिपेंडेंस, एंड वो जो थे वो क्लीमेंट एटली थे। उस समय कौन थे ये जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो क्लीमेंट एटली थे। लेकिन भारत में अभी कौन थे, भारत के उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल थे, और उस समय इंग्लैंड में जो है लोकतंत्र था, सो यहाँ पर जो क्लीमेंट एटली थे। अगर प्रथम बात करें भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय जो है गवर्नर जनरल की बात करते हैं, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुए थे तो उस समय संविधान बना नहीं था, और जब तक संविधान नहीं बना था उस समय जो है प्रधानमंत्री निश्चित नहीं थे, नहीं जो है आपको राष्ट्रपति निश्चित थे, न उसमें जो है वित्त मंत्री, वो सब अभी सर्टेन नहीं था क्योंकि संविधान जो है बना नहीं था। तो प्रथम कौन थे, सी राजगोपालचारी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा करेगा, एग्जाम में कभी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्षयान भेजने वाला जो है प्रथम देश कौन है, हु इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सेंड द फर्स्ट जो है स्पेस क्राफ्ट इन द स्पेस, वो है आपका सोवियत संघ, ठीक है, वो देखिए USSR उसको बोलते हैं, USSR आपको इंग्लिश को याद करना है, USSR जो है उस समय जो है विश्व जो है दो खेमे में बटा हुआ था, मतलब दो विश्व में जो है दो शक्तियाँ थी, पावर्स थे, एक तो था USA और एक था USSR, और यही USSR जो है पहली बार जो है ये अंतरिक्ष यान जो है भेजने वाला प्रथम देश बना। USSR जो है और ये USA, ये दोनों में टकराव था कि कौन जो है सबसे आगे था, तो USSR जब ने बना लिया तब जाके USA ने इसको जो है देखकर मतलब नहीं बोल सकते, इसको जो है देखते हुए कि मतलब ये ऐसा कर लेगा, कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो USA ने इसके बाद बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में लोक कर, वो याद रखिएगा, प्रथम जो है एयरक्राफ्ट जो है किसने लॉन्च किया, तो USSR सोवियत संघ ने। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना किस भाग से संबंधित है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट इज द रिलेटेड टू, वो है भाग फोर, मतलब पार्ट फोर में वो दिया गया है, 36 से 51 जो हमारा आर्टिकल जो है, आर्टिकल कितना है आपका अभी तो 400 जो है 50 से भी जो है ज़्यादा हो चुका है, 450 से भी जो अधिक हो चुका है। हमारा जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 395, अब क्या हुआ 450 से भी अधिक हुआ, अब देखिए यहाँ 36 दिया हुआ है, ठीक है, 36 मतलब क्या है आपका 36 से लेकर जो है 51 तक जो है आर्टिकल तक जो है ये पूरा का पूरा जो है नीति निर्देशक, मतलब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब कि जिससे ये संविधान में बोला गया है कि ऐसा जो है राज्य कार्य करेगा, इसको देखते हुए जो है राज्य कार्य करेगा, तो वही है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी, वो कितना 36 से 51 के बीच में जो है बात बोली गई है, तो उसी को बोलता है कि वो जो है उसका उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। भारत के किस भाग में, वो है भाग चार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लोक कल्याणकारी उसमें याद रखिएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है हमारा 36 से 51 के बीच में जो है DPSP दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसके तहत जो है राज्य काम करेगा, सरकार काम करेगी और वो जो है स्थापित करेगी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी माउंटेन, वो है आपका डोडा बेटा। देखिए अब ये जो है साउथ में है, अब पहले तो नीलगिरी जो है आपको मैप में दिखना होगा कि नीलगिरी क्या है, क्योंकि माइंड मैप जब तक नहीं बनेगा तब तक जो आपको याद नहीं रहेगा नीलगिरी क्या है कि साउथ में है और वहाँ का जो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब नीलगिरी क्या होता है पर्वत, ऐसे ऐसे पर्वत है लेकिन उस पर सबसे ऊंचा हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया आपका डोडा बेटा, तो ये हमको बोलेंगे कि ये जो हमारा पर्वत था उस पर जो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी चोटी पर, वो डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करें साउथ जो है, साउथ में जो है और सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो साउथ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका अन्नामलाई जो है पहाड़ी पर जो है अनाईमुडी, क्या नाम है अनाईमुडी जो है साउथ जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक है, वो क्या है अन्नामलाई पर याद रखना है, अन्नामलाई पर जो है अनाईमुडी है और ये दूसरी सबसे चोटी है, डोडा बेटा जो है दूसरी सबसे जो है दक्षिण भारत की चोटी है, ठीक है, दूसरी है जो सबसे जो है दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जो नीलगिरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इडुक्की जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर इज द इडुक्की प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, तो वो है पेरियार, ठीक है, पेरियार रिवर पर जो है वो है इडुक्की परियोजना। अब देखिए पेरियार जो है वो केरल की जो है सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी बोल सकते हैं, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सा है पेरियार नदी, वो उस पर कौन सा परियोजना बनाया गया है इडुक्की परियोजना। अब इडुक्की परियोजना क्यों बनाया गया है, वो उनका मसला होगा, वो पानी के लिए करते होंगे, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना था,
हु इज द नोवन एज द स्टैचू ऑफ द वीनस। वीनस मतलब क्या होता है? शुक्र। और शुक्र मतलब क्या होता है? चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ द वीनस। किसे कहते हैं? मधुबाला। मधुबाला क्यों? क्योंकि देखिए एक्ट्रेस हैं ये, जो हिंदी के पुराने फिल्मों देखते होंगे तो उसमें ये एक्ट्रेस जो है बहुत ही सुंदर दिखती हैं, तो वो है मधुबाला जी हैं। तो यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं कि वीनस को जो है स्टैचू ऑफ द वीनस किसे कहते हैं? मधुबाला को कहते हैं। हिंदी मूवी है, बॉलीवुड की हिंदी मूवी में ये जो है दिखेंगे। अब देखिए रास तनूरा तेल रिफाइनरी जो है किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द रास तनूरा ऑयल जो है रिफाइनरी? वो है सऊदी अरब में। तो अब तो सऊदी अरब तो पूरा खान ही है तेल रिफाइनरी, तेल जो है तेल का, यहाँ पर तेल रिजर्व जो है हमारा भारत भी जो है इससे खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया, प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हु इज द फर्स्ट जो है आपका कमांडर द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ द प्लासी? वो था लॉर्ड क्लाइव। देखिए वो कौन कब से युद्ध हुआ था? वो युद्ध हुआ था जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में युद्ध हुआ था सबसे पहला। देखिए ये सबसे ये जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, अच्छा तो छिटपुट में बहुत सारे युद्ध हुए होंगे थोड़ा थोड़ा कर स्मॉल स्मॉल, बट जो है लार्ज युद्ध की बात करते हैं तो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में जो 1757 में हुआ था उसमें किसको हराया? वो था आपको सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला था उसमें जो है हराया था। ठीक है, अब देखिए यह पर जो सिराजुद्दौला है इसका भी जो है किसी ने साथ दिया था, ये जो लॉर्ड क्लाइव था इसका भी जो है किसी भारतीय ने जो साथ दिया था, इसलिए जो है ये सिराजुद्दौला हारा। और ये सबसे बड़ी जीत थी लॉर्ड क्लाइव की, इसके लिए जो है इसको बहुत सारा अवार्ड मिला था, बहुत सारा धन जो है भारत से लेकर गया था यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ और जो उस समय नेतृत्वकर्ता थे कमांडर थे वो जो थे आपका लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोब पर भारत की स्थिति कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? हाउ मच जो है लैटिट्यूड इज द इंडियाज जो है पोजीशन ऑन द ग्लोब? वो है 8°4 से 37°6। अब भारत की हम बात करते हैं तो ये हमारा भारत है ऐसा कुछ करके है, और ये तो बढ़िया मैप नहीं है फिर भी ऐसा कुछ करके भारत है। ठीक है, तो ये भारत में क्या है 8 डिग्री शुरू से, अगर नीचे हम देखते हैं ये जो है हमारा कन्याकुमारी और ऊपर जो है कृष्णा नदी कश्मीर, तो 8°4 से लेकर जो है 37°6 तक जाता है। ठीक है, 8 डिग्री यहाँ पर बोल देते हैं 8°4 से 37°6 तक जो है आपका अच्छा। अब अक्षांश क्या होता है? अक्षांश जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, पूर्व से पश्चिम। तो ऐसे करके भारत में जो है कितनी रेखा होगी ऐसे गिनकर जो है 8°4 से लेकर जो है 37°6 तक जाता है। तो वो क्या हो गया आपका ग्लोब पर स्थित भारत की स्थिति हो गया अक्षांश के अकॉर्डिंग। ठीक है, अधिशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री आपका यहाँ पर 7 से लेकर 97°25 तक जाता है। ठीक है, तो 8°4 से 37°6 68°7 से 97 ये जो है देशांतर गिना जाता है, इसको देशांतर कहते हैं। और ये था अक्षांश था ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पीली क्रांति को जो संबंध किससे है? ठीक है, विथ जो है हुम इज द येल्लो जो है रिवोल्यूशन रिलेटेड? जो है वो है खाद तेल उत्पादन से। ठीक है, खाद तेल जो होता है खाने वाला जो तेल होता है उसको जो है पीली क्रांति कहते हैं। और जो आपको स्वीट क्रांति देखते हैं, स्वीट क्रांति किसे कहते हैं? शहद जो है क्रांति है, शहद मतलब शहद हो गया। शहद के बाद देख लीजिए हम जो है स्वीट क्रांति, इसके बाद आप देख सकते हैं हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से है, हरित क्रांति जो हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो जो होता है खाद्यान्न से, खाने वाला जो पदार्थ होते हैं फूड जो होता है अनाज जो होते हैं कॉर्न जो होते हैं उसमें जो है ग्रीन रिवोल्यूशन उसको बोलते हैं। तो पीली क्रांति हो गया, हरित क्रांति हो गया, आप देख सकते हैं नीली क्रांति जो है वो है मत्स्य पालन से, जो है मछली उत्पादन जो होता है जिसे पीसी कल्चर कहते हैं मछली उत्पादन, तो उसको कहते हैं नीली क्रांति। और आपको अगर लाल क्रांति देखना है तो वो मत्स्य से है, ठीक है सॉरी जो ये मांस उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको प्रेशर कुकर जो है किस कारण जो है कम समय में खाना बन जाता है? व्हाट इज द रीजन दैट द फूड इज द मेड इन द लेस टाइम इन द प्रेशर कुकर? उच्च क्वथनांक हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट में जो है ये आप जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो प्रेशर बनाता है ना, वो आपको अंदर जो हम डालते हैं वो उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और उसमें से वाष्प निकल रहा है, तो वाष्प जो है उसी में तो ठहर रहा है, बहुत तेज़ी से तो नहीं निकल रहा है, अगर तेज़ी से निकलता तो कुकर की जरूरत नहीं क्या पड़ती, तो इसलिए वो प्रेशर बनाता है, वो दबाव डालता है उस पदार्थ पर, उसको तोड़ देता है उसके जो है क्रिस्टल को, उसके जो अणु होते हैं उसको परमाणु जो होते हैं उसको तोड़ तोड़ कर जो है उसको जिसमें दाल जो बनता है उसको देख सकते हैं वो गीला हो जाता है, टूट जाता है उसके सारे कण। दीर्घकालीन जो है श्रम के पश्चात जो मांसपेशियां किसके जो है अधिकतर कारण जो थकान महसूस होता है? आफ्टर अ लॉन्ग टर्म लेबर ड्यू टू विच जो है एक्सेस इन द मसल्स डज वन जो है फील टायर्ड? तो वो होता है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे शरीर में जब हम मेहनत करते हैं कसरत करते हैं जब भाग दौड़ करते हैं तो उसमें लैक्टिक जो है निकलता है लैक्टिक एसिड, और वो हमारे शरीर में जो है अकड़न जो है टूटना जो होता है दर्द उत्पन्न करता है तो उसको बोलते हैं। तो थकावट जो है अधिकतर कारण जो है हमको थकावट महसूस होता है। गोबर गैस जो है प्लांट की कौन सी जो है गैस उत्पन्न होती है? व्हाट गैस इज द प्रोड्यूस्ड इन द डंग गैस
प्लांट वो होता है मीथेन, जो हम गोबर गैस बनाते हैं गोबर से, उसमें से पहले ही जानते हैं कि मीथेन होता है, तो मीथेन गैस निकलेगा ही। अगर आपको पता करना है कि सीएनजी जो होता है, सीएनजी में आपको कौन सा मिलता है, सीएनजी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम सीएनजी और एलपीजी की भी बात करते हैं, देखिए सीएनजी की जहाँ तक बात है उसमें आपको मीथेन मिलता है, सीएनजी जो है उसमें मीथेन मिलता है। और अगर आपको एलपीजी की बात करना है तो उसमें प्रोपेन ही होता है और ब्यूटेन होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा कौन सा होता है, ब्यूटेन का होता है। ये सब होता है हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे में प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और उसमें भी सबसे अधिक कौन सा है, ब्यूटेन है। सीएनजी में कौन सा है, मीथेन, और गोबर गैस में कौन सा है, मीथेन। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डर जो है किसका जो है मिश्र धातु मिश्रण है, तो सोल्डर इज द मिक्सचर ऑफ द टीन और लेड, ठीक है। टीन और लेड से क्या बनता है, सोल्डर, टाका, जिसे हम वो जो लगाता है ना, जो जोड़ता है तारों को, तो उसी को कहते हैं टीन और शीशे से जो है आपको टाका बनता है, सोल्डर, सोल्जर कहते हैं, सोल्जर, सोल्डर करवाने जा रहे हैं, सोल्डर करवाने जा रहे हैं। तो वो है आपका, अगर हम बोलते हैं कि पीतल किससे बनता है, पीतल की बात करते हैं तो तांबा, तांबा ले ले और प्लस जास्ता जोड़ ले, जास्ता, तो वो हो गया जास्ता, जास्ता, जास्ता हो गया। जिंक जिसे कहते हैं, मतलब कि कॉपर CU और प्लस जिंक से बनता है आपका ये पीतल, ठीक है। और आपको कासा लेना है तो आपको जस्ता के साथ और तांबा के साथ जो है आपको क्या टीन मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तांबा के साथ जो अगर टीन मिलाते हैं तो आपको बन जाएगा कासा, बन जाएगा कासा, ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं। किस ग्रंथि की को जो है सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है, विच जो है ग्लांड, ग्लांड जो है डज नॉट जो है फंक्शन प्रॉपरली कॉजिंग जो है डायबिटीज, वो है आपका पेंक्रियाज, ठीक है। अभी पेंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पेंक्रियाज से हमारा निकलता है इंसुलिन, और वही जो है हमारे शरीर में जो है, ये जो हम जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जो है नियंत्रित करने का कार्य जो है, रेगुलेट करने का कार्य जो है वो होता है हमारा, ये जहाँ से निकलता है इंसुलिन से जो है रेगुलेट होता है। लेकिन जब हमारा इंसुलिन, लेकिन जब हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में ये इंसुलिन की जरूरत ज़्यादा होती है, लेकिन एक जो है पेंक्रियाज की जो एक लिमिट है, अब हम मोटा हो जाए पूरा फैल जाए तो उसके लिए क्या है, वो इंसुलिन उतना जनरेट नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, रेगुलेट नहीं हो पाती है, और वो हमारा ग्लूकोज शरीर में बढ़ने लगता है। और चीनी जो है सबसे बड़ा जो है ग्लूकोज का मात्रा है, अगर वो हम खाते हैं तो डायरेक्ट जो है ग्लूकोज बनता है, वो हमारे खून में जलने लगता है। इसके बाद जो हमारा जो है हमारा जो हाई प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो बढ़ने लगता है। इस प्रकार से लोगों की मृत्यु हो जाती है ग्लूकोज से, बहुत सारे लोग जो है डायबिटीज के कारण मृत्यु हो जाती है, क्योंकि फैट जो है आपको घटाना चाहिए, आपको रेगुलर जो है एक्सरसाइज करना चाहिए। बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है, 40 से ऊपर के एज को, और नीचे वाले एज में भी होता है, जैसे 20 से कम एज में भी जो है ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार जो है समूह के निदेशक के रूप में किसने जो है चुना है, हु हैज़ द रिसेंटली बिन जो है सेलेक्टेड बाय द फेसबुक एज द डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल बिजनेस ग्रुप, वह है अरुण जो है श्रीनिवास। मतलब कि फेसबुक ने अपना जो ग्लोबल जो बिजनेस ग्रुप है उसका जो है निदेशक डायरेक्टर किसे चुना है, वो है अरुण श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन जो है में जो जो फीमेल है वो सिंगल का खिताब जो है किसने जीता है, सिंगल में जो खिताब किसने जीता है वो US ओपन में, जैसे में रोज होता है, मतलब हर साल में जो है फ्रांस ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो उसी में होता है आपका US ओपन। मतलब आप ये मंथ याद रखिए, इसी मंथ में जो है US ओपन जो है स्टार्ट होता है, मतलब अभी एक दो मंथ में जो ये हुआ होगा, उसी में जो है रिसेंटली जो हुआ है वो होता है नाओमी ओसाका जो है फीमेल में की है। आपको ये तो नाम हमेशा आता ही रहता है, क्या नाम है, नाओमी ओसाका। अगर हम बात करते हैं मेल में कौन है, तो मेल में आपको जो है नोवाक जोकोविच, क्या याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो है वो मेल में हो गए, और नोआमी जो होंगे, देखिए दोनों का नाम जो है न से, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेल में अभी क्या हुआ है, नोवाक जोकोविच, और फीमेल में नाओमी ओसाका, ठीक है। ओसाका में तो मतलब ये भी याद रखते ओसाका। आगे बढ़ते हैं, करके हाल में जो है योशी हिदे सुगा को किस देश का जो है नया प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है। रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर जो है रिसेंटली जो है चुजन वो हो गया आपका जापान, ठीक है। जापान के जो प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अभी हाल फिलहाल में जो है योशी हिदे सुगा को जो है चुना गया। अभी सिंजो अबे जो थे वो रिसेंटली मतलब इससे पहले जो थे वो प्रधानमंत्री थे,
इनका तबीयत खराब हो गया, मतलब इनको कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम शरीर में, इसके चलते इन्होंने क्विट कर दिया। और क्विट करने के बाद जो है नया प्रधानमंत्री बने वो थे, नाम है उनका योशी हिते सुगा, जापान के प्रधानमंत्री। सो ये जो वीडियो था वो समाप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि इसमें इम्प्रूव किया जा सके, और क्योंकि उद्देश्य है आपको जो है जीके को याद कराना, आपको रिविजन कराना। सो जो चलते हैं, हो गया।